हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में, जिसके अंदर आप इंटीजर्स के कंप्लीट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा है और समझा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें लिखना है अपोजिट्स। अगर कोई पूछे कि इंक्रीज द वेट का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे डिक्रीज द वेट। इसी तरीके से आपसे अगर कोई पूछता है कि आप मुझे ये बताएं कि 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 30 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर ईस्ट का मतलब क्या हुआ, 80 मीटर वेस्ट। इसी तरीके से अगर अपोजिट में पूछा जाए कि लॉस ऑफ 700, तो आप कहेंगे प्रॉफिट ऑफ 700। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको बताना है 100 मीटर अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, तो आप कहेंगे सी लेवल से 100 मीटर नीचे, यानी कि बिलो। अबव का जो अपोजिट होता है वो बिलो होता है, राइट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंट करना है ये जो इंटीरियर्स, इनको अप्रोप्रिएट साइंस है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से अगर 2000 मीटर ऊपर कोई चीज़ उड़ रही है, इसका मतलब वो प्लस में होगी, राइट। ग्राउंड से अगर 2000 मीटर ऊपर कोई चीज़ उड़ रही है, इसका मतलब वो प्लस में होगी। सिंस एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द ग्राउंड एंड हाइट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अच्छा, हाइट को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पे होता है जीरो, ये आपका ग्राउंड हो गया। तो ये वाली जो साइन होती है ना, इधर प्लस की होती है और ये माइनस की होती है, ठीक। इसी तरीके से ये प्लस की होती है और ये माइनस की होती है। तो इसी तरीके से सबमरीन का दिया हुआ, सबमरीन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल जियो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबमरीन हमेशा क्या होती है, ये मान लीजिए कि ये सी लेवल है, ये वाटर लेवल है सी का, राइट। और सबमरीन क्या है, इसके नीचे हुई है, और हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता है इसके। तो सबमरीन में क्या करेंगे, -800 लिखेंगे नीचे, क्योंकि सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, राइट, जो पानी के अंदर होती है। सिंस द सबमरीन इज बिलो द सी लेवल, इस डेप्थ इज टेकन टू बी नेगेटिव। इसकी जो डेप्थ है उसको नेगेटिव में हम लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से डिपोजिट ऑफ ₹200, ₹200 का डिपोजिट क्या होगा, प्लस में होगा, राइट। अगर आप सॉरी डिपॉजिट मतलब होता है मनी को कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव में, वाइल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर एज अ नेगेटिव। डिपॉजिट मतलब होता है कि आपने क्या किए हैं, डिपॉजिट किए हैं तो ये प्लस में होगा, राइट। और अगर आप विड्रॉ करते हैं तो सॉरी डिपॉजिट करते हैं तो प्लस में, विड्रॉ करते हैं तो माइनस में। इसी तरीके से अगर मनी को जब आप खर्च करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, और एक्सपेंडिचर को माइनस में लिखते हैं, और जब डिपोजिशन करते हैं उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव में होने वाला है। विड्रॉवल मतलब माइनस में आप निकाल रहे हो, डीपोजिशन ऑफ मनी इज अ पॉजिटिव व्हाइल एक्सपेंडिचर इज नेगेटिव। तो ये डीकम्पोजिशन हो रहा है मनी का, डिपोजिशन हो रहा है तो माइनस होगा। इसी तरीके से इसके पहले वाले में क्या था, उसको हमें प्लस में वैल्यूज को लिखना था, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस के ऊपर। क्वेश्चन ये हुआ प्लस का 5, तो प्लस का 5 हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस का 5, प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, सो अपीयर्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ द 0। तो 0 के राइट में अपीयर होगा, ये 0 के राइट में अपीयर होगा, यानी कि प्लस 5 कहाँ से अपीयर होगा, ये 0 है, राइट। 1, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, राइट। तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको, राइट। यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा प्लस 5, राइट। नेगेटिव वैल्यू होगी तो 0 से इस तरफ आएगी। अब -10 दिया हुआ है, तो -10 क्या है, 0 से छोटा है, तो -10 को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ 8 को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है। इसी तरीके से -1 का रिप्रेजेंटेशन आप देख पाएंगे 0 से लेफ्ट की तरफ में, ये हो गया -1, ठीक। -6 का दिया है तो -6 को भी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ठीक इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये लिखा हुआ एडजेसेंट फिगर इज द वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड द लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये कर सकते हैं, इन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप लोकेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ये लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है। तो इफ पॉइंट डी इज 8, डी पे क्या है 8 है, विच पॉइंट इज -8, और एक पॉइंट दिया हुआ है हमारा -8, तो ये एफ है।
एफ को हमने -8 पे रख लिया, डी को हमने क्या कर दिया 8 पे रख दिया, राइट। इसी तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया पूरा ये पिक्चर्स को, और आप देखोगे +8 में डी है और -8 कहाँ पे है, पॉइंट एफ पे है। तो एफ और डी दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है और एफ -8 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है जी को नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जी को आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जी को अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पे। आप देखोगे जी कहाँ पे हमारा -6 पे है। इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ों को देखना है। तो यस, अबव द फिगर्स है जी रिप्रेजेंट द नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सो काउंटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम द डी कैन वी ऑब्जर्व द पॉइंट ओ रिप्रेजेंट एज अ जीरो, पॉइंट ओ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर फॉर ऑल द नंबर फ्रॉम द बिलो द ओ रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स। वो क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो एच हो, जी हो, एफ हो, ई हो, और इधर के जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन बी और ई का दिया हुआ है, तो आप देखिए बी पॉजिटिव में है और ई जो है हमारा, वो भी जो हमारा नंबर है ई, वो नेगेटिव में है, -10, राइट। तो यहाँ से आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये -10 +8 आ रहा है इधर डी में, बी में +4 आ रहा है, राइट। और इसमें आ रहा है 8 -4 यानी कि 4, तो बी की वैल्यू +4 हो जाएगी अगर हम यहाँ से देखेंगे ई से। तो इस तरीके से हम इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ पॉइंट ई लाइज 18 यूनिट्स बिलो 8 एंड अंटिल ओ इज हैव 8 पॉइंट्स। ओ पे क्या है, 8 पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप समझिए कि एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। देखिए हमें इंटीजर्स लिखने हैं, राइट, और आपको फोकस करना है इस पिक्चर पे। एक बार में ही फोकस कर लिए, ये चीजें आपको क्लियर सम। पॉइंट बी दिया हुआ है, अब बी यहाँ पे है, तो ये देखिए ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बी कहाँ हो गया, 4 पे। ई का पूछा गया, देखिए अब ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये -10। ये सब माइनस के नंबर हैं, जो इस तरफ में है वो माइनस के नंबर है और इस तरफ में जो है नंबर वो प्लस में है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये -10 हो गया हमारा, तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप प्लस माइनस भी करेंगे तो यहाँ पे प्लस की 4 की वैल्यू आ रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं या इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट सी दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सी में हमें क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। अब ये 5 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए अगर हम 18 -8 करते हैं तो 10 आ रहा है, ये नंबर हमारा कहाँ होगा, 0 के नीचे, तो प्लस। बी में +4 आ रहा है, ई में -10 आ रहा है, तो ई रिप्रेजेंट करेंगे -10 से और बी रिप्रेजेंट करेंगे प्लस के 4 से। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कि विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू, कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे कम है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ई है। देखिए सबसे छोटा नंबर है ये -10, राइट, ये -10 क्या है, सबसे लीस्ट वैल्यू है। और इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है चीजों को। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इस कंप्लीट पिक्चर्स में आप देख पाओगे कंप्लीटली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज की गई है, चाहे वो -10, -9, -8, -7, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया हुआ, अरेंज किया हुआ है चीजों को। अब ई ई के बारे में बात करते हैं। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे पहले डी होगा, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर होता है, और ये तो असेंडिंग ऑर्डर में, डी के बाद सी आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर और ई। इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में, और यहाँ लिखा हुआ है फॉलोइंग द लिस्ट टेम्परेचर 5 प्लेस ऑफ इंडिया ऑन द पर्टिकुलर डे। सियाचिन का दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, शिमला दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस। ये बिलो दिया हुआ है, इधर एवव दिए हुए हैं 2। बिलो का मतलब होता है माइनस में और एवव मतलब प्लस। अब इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, टेम्परेचर्स को इंटीजर्स जो दिया हुआ है इसको इंटीजर्स फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बिलो यानी कि -10, यहाँ पे बिलो यानी कि -2, यहाँ पे एवव यानी +30, यहाँ भी एवव यानी कि +20, यहाँ पे बिलो यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें देखना पड़ेगा, समझना होगा कि इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये है नंबर लाइन, और इन नंबर लाइन्स पे देखिए -10 है, तो माइनस का ये 10 हो गया, सियाचिन का, श्रीनगर का हो गया -5, शिमला का हो गया शिमला का हो गया आपका कितना 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे हम नंबर लाइन पे कैसे बता सकते हैं, ये -5 है श्रीनगर का, और ये है सियाचिन का -10 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने बनाया भी था, और शिमला का -2 है, अहमदाबाद का प्लस में है, दिल्ली का प्लस में है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हम इजिली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
क्योंकि बहुत ही सिंपल है सिटी को रिप्रेजेंट करना इस अगेंस्ट द टेम्परेचर्स ऑन द नंबर लाइन, राइट। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी, कूलेस्ट प्लेस कौन सी है। देखिए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है कूलेस्ट प्लेस यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस, और -10 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे, सियाचिन में, तो वो हमारी प्लेस कौन सी होगी, सियाचिन, राइट, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो। इसी तरीके से जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है वो कौन कौन से जगह है। देखिए अहमदाबाद है क्योंकि +30 है, दिल्ली है +20 है, और ये जो सारी चीज़ें हैं टेम्परेचर इनमें 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, राइट। ये दो जगह हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे कि कौन सा किसके राइट में है, 2 है और ये 9 में है। तो आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन में कि 9 जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो 9 इज ग्रेटर देन 2, और इंटीजर 9 इज टू राइट ऑफ द 2, 2 के राइट में, 2 के राइट में 9 है। इसी तरीके से जो बड़ा नंबर है वो -3 है, ग्रेटर देन -8, और ये इसके राइट में, 3 के राइट में, माइनस इसके राइट में कहलाएगा, 3 इज टू राइट टू माइनस, और -8 के राइट में है -3, राइट। और इसी तरीके से अगर -1 के बारे में बात करें तो 0 जो है वो ग्रेटर है, और 0 इज टू राइट टू -1, -1 के राइट में, जो नंबर्स राइट में होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि -11 और 10 में जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस का 10 है, और +10 इज ग्रेटर देन -11, चूंकि जो इंटीजर है 10 वो राइट ऑफ -11 के, -11 के ठीक राइट में है। इसी तरीके से अगर हम बात करो -6 और 6 में, तो 6 ग्रेटर है और -6 के ठीक राइट में है, और -1 और 100 की बात करें तो -100 के ठीक राइट में 1 है, चूंकि 1 क्या है, ग्रेटर नंबर है। इसी तरीके से अगर हम 0 और 7 के बारे में बात करते हैं, तो 0 हमारा ग्रेटर है, -7 क्या है, 0 हमारा क्या है, ग्रेटर नंबर है, और -7 क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन 0 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 0 और 7 के बीच में -6 हो सकता है, -5 हो सकता है, -4, -3, -2, -1, ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -7, इस तरीके से इनके बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को लिख लिए हैं। -4 और 4 में हमें बताना है डिफरेंस, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें -8 और -15 का, फिर देखिए -15 के बाद -14, -13, -12, -11, -10, -9, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसी तरीके से -30 और -23 दिया हुआ है, तो -30 और -23 में अगर आप देखोगे तो -24, 25, 26, 27, 28, 29, ये माइनस के नंबर्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो ये राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, आप देखोगे -19, -18, -17, -16 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नंबर्स दैट ग्रेटर देन -20, -20 से क्या है, ये ग्रेटर है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से लेस देन हमें बताना है, तो -10 से लेस देन यानी कि -10 कि देखिए नंबर छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, तो नंबर लाइन पे समझिए कि ये 0 है, राइट, इस तरफ हमारे प्लस के नंबर होते हैं, इस तरफ माइनस के नंबर होते हैं। तो जो 0 के सबसे जो पास होता है, जैसे मान लीजिए -1, फिर ये हो गया -2, फिर हो गया ये -3, तो इन सब में छोटा नंबर कौन सा है, आपको पता है इन सब में सबसे छोटा नंबर -3 है। इस तरीके से आप इस तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही आपको छोटे नंबर मिलते जाएंगे। तो -10 से छोटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ -10 है, तो -11 होगा, फिर -12 होगा, -13, ये इससे छोटे नंबर होंगे, राइट। और क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर हमसे ट्रू और फॉल्स हमसे पूछा गया है, -8 इज राइट ऑफ -10, -10 के फिर राइट में है क्या, ट्रू है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट हमारा। और क्वेश्चन नंबर लिया हुआ है कि -100 इज राइट ऑफ द -50, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि -10 के -100 के राइट में -50 है, ना कि -100 के राइट ऑफ 50, 50 -50 के राइट में नहीं है बल्कि लेफ्ट में है, -50 के लेफ्ट में है 100, बल्कि यहाँ पर राइट दिया गया है। और स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स इज -1, नहीं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, -1 तो सबसे पास में है, आप ये कैसे नियरेस्ट है, बट स्मॉलेस्ट नहीं है -1, तो फार्दर नंबर भी 0 ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में और भी नंबर हो सकते हैं, -2 इससे छोटा होगा, राइट, स्मॉलेस्ट नंबर अगर इसमें देखा जाए तो।
तो माइनस इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, आप कह सकते हो सबसे ग्रेटेस्ट है। -6 इज लार्जर देन -25, नहीं फॉल्स, क्योंकि -25 बड़ा होता है। देखो नेगेटिव नंबर में जो नंबर जितना बड़ा होता है और उसमें नेगेटिव का साइन लगा होता है, मतलब वो नंबर बहुत ही छोटा है। तो फर्दर नंबर ऑफ 0 इज लेफ्ट स्मॉलर इट्स वैल्यू, राइट, और ये जो -25 है ये बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और आंसर्स देना है। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2, -2 के ठीक राइट में हम मूव करेंगे तो कौन सा नंबर होगा? ये 1, 2, 3, 4 मूव किया तो ये 2 पे आ गया, राइट, ये आ गया 2 पे। इसी तरीके से वी विल रीच 2 इफ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2, ठीक। इसी तरीके से विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1, तो ये हो गया 5 नंबर्स लेफ्ट के। 1 में देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये -4 हो गया, राइट। इसी तरीके से आप देखें कि -4 हो गया यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर अगर हम सी के बारे में बात करें तो आप देखोगे वी इफ वी हैव वी आर 8 -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव ऑन द रीच -13। अब देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 किस डायरेक्शन में जाना होगा, तो आप कहोगे कि राइट की तरफ अगर जाओगे तो आप 13 की तरफ मूव कर जाओगे, राइट, अगर आपको मूव करना है तो। -8 ऑन द नंबर लाइन एंड विच डायरेक्शन से मूव, तो -8 से आप किस तरफ जा रहे हो, इसके लेफ्ट की तरफ में जाओगे, राइट। तो आप कह सकते हो -8 विल बी लाइट राइट ऑफ -13, -13 के राइट में है ये, तो आप इधर लेफ्ट की तरफ में मूव करोगे, तो आप ये पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट की तरफ में मूव करना पड़ेगा। इफ वी आर -6 ऑन द नंबर लाइन विच डायरेक्शन शुड बी मूव -1, -1 में जाने के लिए आपको राइट की तरफ में मूव करना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 पोजीशन तक, तो हैंस वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टू राइट ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम -6 टू रीच -1। -6 से अगर आपको -1 तक पहुंचना है तो राइट में मूव करना पड़ेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। सो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.1, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देखा है, समझा है, सीखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई डाउट है, या कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सजेशन सुझाव देना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप सजेशन और सुझाव दे सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है ना, उस लिंक के थ्रू आप हमारे डाउट सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।